monohydric alcohols and their methods of formation, यानी उनके विरचन की विधियाँ. आज हम इस लेक्चर में इसके बारे में अध्ययन करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स प्रिपरेशन द फॉर्मेशन. एल्कोहल्स बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो कार्बोनिल समूह का अपचयन है. यानी कार्बोनिल समूह, वह चाहे किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हों, चाहे वो एल्डिहाइड में हों, चाहे वो एल्डिहाइड के अंदर हों, या फिर वो किसी कीटोन के अंदर उपस्थित हों, और इट कैन बी प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इट कैन बी ऑल्सो प्रेजेंट इन द एस्टर. अगर यहाँ पर H की जगह पर R उपस्थित हो तो ये एस्टर हो गया. यानी ये जो कार्बोनिल समूह हैं, इसका यदि अपचयन होता है तो हमें एल्कोहल्स प्राप्त होती हैं, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का निर्माण होता है. इन विधियों द्वारा बने हुए एल्कोहल हमें सिर्फ प्राथमिक अथवा द्वितीयक प्रकृति के एल्कोहल्स मिलते हैं. जो ये कहना चाहिए कि वी गेट अ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एल्कोहल्स, और हमें टर्शरी एल्कोहल्स इससे नहीं मिलते हैं. यानी इन विधियों से तृतीयक एल्कोहल नहीं बनता है. सो इस वर्ग के कुछ सामान्य उदाहरण हम लेकर करते हैं, जैसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह, कि किस तरीके से अपचयन होता है और हम किस प्रकार की एल्कोहल इसमें प्राप्त करते हैं. ये एल्डिहाइड है, और अगर अपचयन हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और हमें मिलता है प्राइमरी एल्कोहल. दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल. और अगर कीटोन है और उसका अपचयन होता है तो हमें मिलता है सेकेंडरी एल्कोहल. दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल. And if we take a carboxylic acid, और उसका अपचयन यदि करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पर कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी एल्कोहल के अंदर, यानी प्राथमिक एल्कोहल के अंदर. और अगर हम लें एस्टर समूह, और उसका अपचयन यदि हम करवाते हैं यानी रिडक्शन, देन देयर ऑल्सो वी गेट, यहाँ कार्बन समूह है और यहाँ पर इसका भी चेंज होता है, जिसमें कि यहाँ R की जगह पर H आ जाता है, तो वी गेट R CH2OH, and this is again the primary alcohol. तो इसमें हमें इसलिए देखना है, एक तो इसका अपचयन हो रहा है और यहाँ पर भी R की जगह पर H आ जाता है in the case of ester. So these are the generalized equations of the reduction of the carbonyl group present in some carbonic compounds. तो हम पहले ये देखेंगे कि इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. सो वी हैव डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स. नाउ लेट अस सी, यानी जो अपचायक के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं वो हैं सोडियम व एल्कोहल, देन लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड. देन वी ऑल्सो हैव सोडियम बोरोहाइड्राइड. तो ये इनमें से जो मेनली एल्डिहाइड व कीटोन का जो अपचयन है वो हम इवन धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा भी करवा सकते हैं. लाइक वी टेक अ मेटल एंड वी पास हाइड्रोजन ओवर इट, तो हमें भी तब भी हमें अपचयन की अभिक्रिया देखने को मिलेगी. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज़ करते हैं वो सोडियम बोरोहाइड्राइड ही यूज़ करते हैं. यानी वी विल बी स्टार्टिंग विद सोडियम बोरोहाइड्राइड. लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शंस. CH3 CH2 CH2 CHO, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसमें हमें मिलता है CH3 CH2 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 OH. द यील्ड इज अराउंड 85%. एंड दिस इज़ वन ब्यूटेनॉल. तो ये तो एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ कीटोन, दैट इज ब्यूटेनॉन लेते हैं हम इसमें. और इसकी भी अभिक्रिया हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं. तो हमें मिलता है एक सेकेंडरी एल्कोहल. इसकी क्रियाविधि में हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होता है. तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर रिएक्शन होता है. तो हम यहाँ पर इसके मैकेनिज्म में देखते हैं कि ये जो हाइड्राइड है H माइनस इट फ्रॉम हियर इट अटैचेस टू द कार्बन बिकॉज इट हैज़ अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, लेट अस सी हियर, यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये पाई जो बॉन्ड है इसका अपने तरफ इसका मूवमेंट कर लेता है एंड इट बिकम्स पार्शियली नेगेटिव. कार्बन बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव एंड हाइड्राइड आयन मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर ऑन द कार्बन एंड देन वी गेट एन एडिटिव प्रोडक्ट सॉल्ट ऑफ इट एंड देन दिस इज हैविंग हियर दिस हाइड्रोजन अटैच एंड वी गेट नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन. इट्स ऑलरेडी देयर एंड देयर इज अ सॉल्ट हियर. तो ये जो है एक एडिटिव प्रोडक्ट बनता है और इस यहाँ पर जो निकलता है दैट इज़ BH3. ये BH3 यहाँ से निकल जाता है, राइट. एंड दिस इज़ द सॉल्ट विच इज़ फॉर्म्ड एंड देन इट रिजल्ट्स इनटू दिस एल्कोहल फॉर्मेशन. हाउ डज इट टेक प्लेस? इसमें जो H एंड OH की उपस्थिति में ये हो रहा है तो इट अटैचेस हियर. तो ये जो Na+ है इट रिएक्ट्स विद दिस OH एंड वी गेट NaOH हियर, राइट. एंड वी गेट NaOH एंड this hydrogen which is H, it is in the form of H+, so it gets attached here and we get this R. You know this R is this R, this R dash is this R dash, this is carbon, the carbon yahan par OH lag gaya, this is OH and H. So the product which is formed here is
इट इज So this is the secondary alcohol preparation by sodium borohydride as a reducing agent in the presence of water. So what is the main basic concept in the mechanism? That there is hydride which is transferring from the sodium borohydride. Now next reduction reaction we will study in the next lecture.